अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़वार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हमदो सना है रब्बे रहमान और रहीम की, जिसका फ़ज़ल और उसका करम जो है वो तमाम चीज़ों पे हावी है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पे, कि बिला शुबा ये कायनात की वो हस्तियां हैं जो लायक दुरूद हैं, और यही वो हस्तियां हैं जो वजह तख्लीक कायनात हैं। इस वक्त मैं आपको जुज़वी कमरी ग्रहण जो कि बरोज़ मंगल 16 जुलाई की रात को जो है वो लग रहा है, उसके बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। मेरी सबसे पहले गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और एहतियात से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे आपके सवालों के जवाब जो कि आप कमेंट्स की शक्ल में करते हैं वो इसी वीडियो में मौजूद होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आपको खुद ब खुद आपके सवालों के जवाब मिलते चले जाएँगे। जैसे कि मैंने औज शम्स की वीडियो अपलोड की या इससे पहले ग्रहण की जो वीडियो अपलोड की, उसमें भी यही था कि ऐसे ही सवाल किए जा रहे थे जिनके जवाब ऑलरेडी वीडियो में मौजूद थे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो ध्यान से देखिएगा, और अगर मुमकिन हो तो पास में कॉपी पेंसिल ज़रूर रख लें ताकि आप चीज़ों को जो अहम चीज़ें हैं उनको नोट कर सकें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ ये कि ये जुज़वी कमरी ग्रहण है जो कि मंगल और बुध की दरमियानी रात को लगेगा, और इसका जो नुक्ता अरूज है वो 17 जुलाई जो है वो 2:30 पर होगा, जबकि इसका आगाज़ जो है वो 16 जुलाई रात 11:51 पर हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, इसका जो आगाज़ है वो 16 जुलाई रात 11:51 पर हो जाएगा, और 17 जुलाई 2:30 पे जो है वो रात को ही जो कि सहरी का टाइम हो जाएगा उसमें ये अपने नुक्ता अरूज पे होगा, और इस ग्रहण का जो इख्तिताम है वो 17 जुलाई सुबह 5:17:38 पर होगा। तो इस तरह इसका जो कुल दौरानिया है वो 6 घंटे और 26 मिनट का बनता है, इसका कुल दौरानिया 6 घंटे और 26 मिनट का बनता है। इसी वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि ये कहां कहां नज़र आएगा दुनिया में, और इसके असरात तमाम बुरुज वालों पे क्या होंगे, अलग अलग इंशाल्लाह तमाम बुरुज वालों को मैं बताऊंगा। और इसके अलावा दीगर जो ममालिक हैं उनके बारे में बताया जाएगा कि वहाँ की टाइमिंग क्या है, सदका क्या है, क्या पढ़ना है, क्या एहतियात है, ये सब कुछ इंशाल्लाह आपको इसमें बताया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये ग्रहण जो है वो बुध जद्दी के यानी कैप्रिकॉर्न के 24 दर्जे और 4 दकीका और 9 सानिया पर लगेगा। 24 दर्जा 4 दकीका और 9 सानिया पर इसको लगेगा, तो ये बिल्कुल आखिरी दर्जात हैं बुरजद्दी के जहाँ पे ये जाके लग रहा है, और इस वक्त सियारा जोहल जो है वो भी बुरजद्दी में मौजूद है, और ये ग्रहण भी जो है वो भी एग्जैक्टली बुरजद्दी में होने जा रहा है। ये ग्रहण जो है ये पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, इराक, दुबई, ओमान, कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, बेल्जियम, पुर्तगाल, बरतानिया, मिस्र, तुर्की, फ्रांस, यूनान, इटली, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और रूस के इलाकों में जो है इसको देखा जा सकेगा, ये विजिबल होगा। तो पाकिस्तान में भी जो है चूँकि ये विजिबल है इसलिए आपको कुछ ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं उसमें इसकी जो टाइमिंग है, पाकिस्तान में तो आपको जैसे मैंने बताया कि रात ये जो है 11:51 पर शुरू हो जाएगा, सऊदी अरब में ये 9:51 पर शाम को शुरू होगा, ईरान में 11:21 पे, यूके में जो है ये 7:51 शाम पे, यूएई यानी कि जो यूनाइटेड अरब अमीरात की जो रियासतें हैं वहाँ पे 10:51 में, यूएसए में ये दोपहर 1:51 पे शुरू होगा, और वाशिंगटन डीसी में 2:51 पे दोपहर, फ्लोरिडा में 2:51 पे दोपहर को, कनाडा में जो है वो 12:51 पे दोपहर को, और जर्मनी में जो है ये शाम बल्कि रात कहना चाहिए 8:51 पर शुरू होगा, इटली में भी ये रात 8:51 पर शुरू होगा, ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त सुबह के 4:21 होंगे जब ये ग्रहण जो है वो स्टार्ट होगा, कुवैत में 9:51 पर शुरू होगा, और ओमान में 11:21 रात को, फ्रांस में जो है वो 8:51 पर, और स्पेन में भी यही टाइम है 8:51 का टाइम है, कतर में 9:51 का टाइम है, और मलेशिया में जो है वो 2:51 होंगे उस वक्त अल सुबह इस वक्त ये स्टार्ट होगा, साउथ अफ्रीका में रात के 8:51 हो रहे होंगे, और हांगकांग में जो है वो 2:51 जो है वो सुबह के हो रहे होंगे, और इसी तरह इंडिया में भी जो है
रात के 12:21 होंगे उस वक्त जब ये ग्रहण स्टार्ट होगा, और ये एग्जैक्टली चूँकि रात के 12:21 है तो वहाँ पे 7 जुलाई हो चुकी होगी, ये बात नोट कर लीजिएगा। और बांग्लादेश में भी रात 12:51 पे सेम इंडिया से आधे घंटे का फ़र्क है, इंडिया से भी आधे घंटे बाद होगा। और नेदरलैंड में जो है ये रात 8:51 पे ये ग्रहण होगा। एक चीज़ जो पिछली बार भी की वीडियो में भी ग्रहण में आपने कई लोगों ने सवाल किया कि ग्रहण जो है जी वो शमसी ग्रहण और रात को कैसे होता है, तो मैंने उनको जवाब दिया भी था और कुछ समझाने की कोशिश भी की थी, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि सब इस बात को समझ लें। देखिए ग्रहण मुल्क को नहीं हो रहा, आपके मुल्क में रात है तो कहीं दिन भी है, ग्रहण जो है वो प्लैनेट को हो रहा है। तो प्लैनेटरी जो ग्रहण है वो गैलेक्सी में होता है, उसका आपसे इस तरह से ताल्लुक नहीं होता, आपके मुल्क से इस तरह से ताल्लुक नहीं होता। ये सिर्फ इतना होता है कि वो किस भुज पे आ रहा है, वो किन ममालिक से विजिबल होगा, तो ये पाकिस्तान में भी नज़र आएगा, इसलिए डायरेक्ट इसके साथ जो हैं वो भी होंगे। सबसे ज़्यादा जो एहतियात की ज़रूरत होगी इन अयाम में, सफ़र से गुरेज करें तो ये बहुत अच्छा होगा। कमर रोज़मर्रा के मामलात को डिस्टर्ब करता है, मान से मुतल्लिक है, आपके समाजी तल्लुकात से मुतल्लिक है और आपके इमोशन से मुतल्लिक है, इन तमाम चीज़ों को जो है कमरी ग्रहण वो डिस्टर्ब कहते हैं। अच्छा, इसी तरह मुझसे कई लोगों ने पिछले ग्रहण पे भी कमरी ग्रहण पे सवाल किया था कि जी हमने जो अंगूठियाँ पहनी हुई हैं इसको उतार के रख दें, तो मैंने उनसे कहा था जी नहीं, इनको उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन भी फैलाई जाती है कि जो चूँकि आपके पत्थर जो हैं वो वेव्स को ऑब्ज़र्व करते हैं तो ये मुतासर होते हैं। देखिए हर पत्थर एक अलग सैारे से मुतालिक है, वो उसके असरात को जो है वो एक्सेप्ट करता है। हाँ, अगर आपके हाथ में दुर नजफ या पल की अंगूठी है इस ग्रहण में तो वो आप उतार दें तो बेहतर होगा, बाकी किसी पत्थर को उतारने की ज़रूरत नहीं चूँकि वो उनका इन सैार कमर से ताल्लुक नहीं है। जैसे कि मैंने इस वक्त भी जो है ये ज़मूरत पहना है, तो इसका ताल्लुक जो है वो जुपिटर से है, मरकरी से है, तो ये मरकरी के जो रिसीवर है वो है, उसकी फ्रिक्वेंसी एडजस्ट है, उसके सिग्नल्स को रिसीव करेगा, मून के नहीं। तो इस तरह आपको ऐसी किसी भी चीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं अब आपको बताऊँगा कि ये किन किन बुरूज के किन किन घरों पर लग रहा है और इनके असरात क्या होंगे। बुर्ज हमल वालों के ये खानगी मामला का हाकिम से यह रहा है और इनके कैरियर रोज़गार को डिस्टर्ब करेगा, आपकी सवारी, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी वालदा, घर का माहौल, रिहाइश की जगह और आपका कैरियर रोज़गार, आपके वालिद, ये वो चीज़ें हैं जिनकी तरफ से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तमाम रूज वाले इसको समझ लीजिए, ये ग्रहण है तो ये सब प्रॉब्लम देगा। मैं आपको मनसूबात बताऊँगा ये किस हाउस का लॉर्ड है और कहाँ पे जाके ये जो है इसको ग्रहण हो रहा है, तो आपने इसको जहन में रखना कि जहाँ पे इसको ग्रहण हो रहा है वहाँ भी प्रॉब्लम करेगा और जिस घर का ये खुद लॉर्ड है मून वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम करेगा। टॉरस वालों के तीसरे समाजी ताल्लुकात, बहन भाई, अजीज़ उकारा, तहरीर, तकरीर और नामें घर को मुतासर करेगा। नामा घर आपके सोशल उकारब हैं, आपके बैरून मुल्क सफ़र है, आपके स्पिरिचुअलिज्म है और आपकी स्पेशलाइजेशन है। जमाने वालों के ये खाना माल का हाकिम है, उसको डिस्टर्ब करेगा, आपको लेन देन में मोहतात रहना है, किसी भी इस इन तारीखों में चेक वगैरह लिख के देने से आपको गुरेज करना है और माली लेन देन का जो है उसका वादा करने से गुरेज करना है। आपकी फ्लक्चुएशन आ सकती है, बर वक्त इसका सदका दीजिएगा, जो कि मैं अब अगले इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे आपको बताऊँगा। तो ये सदका दे के आप इस मामले को जो है बेहतर कर सकेंगे। इसके अलावा ये आपके जायचे के आठवें घर का, जो कि बहुत अहम है, मैं आपसे स्पेशली कहूँगा अपनी सेहत का बहुत ख्याल करना है, वरासती मामलात और मुश्तरका माली मामलात, और स्पेशली आपने अगर किसी को कर्ज़ा दिया हुआ है तो उसके वापस मिलने में जो है वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस ग्रहण की वजह से। कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान वालों के ये समाजी ताल्लुकात के अलावा उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनैलिटी और उनके पब्लिक इमेज को और उनकी इज्जत वकार को जो है वो डिस्टर्ब करेगा और उनके शराकती अजवाजी ताल्लुकात को डिस्टर्ब करेगा, यानी आपकी शादी होने में रुकावट पैदा कर सकता है या आपकी शादी को ख़त्म करने में कुछ मनफी रोल जो है वो ये प्ले कर सकता है। अगर आपकी कोई शागरदारी का मामला चल रहा था तो उसको भी ये ब्रेक कर देगा। लियो वालों के ये 12वें घर जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक है, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन है, आपके खुफिया दुश्मन है, और 6ठा घर आपकी सेहत, आपकी जॉब और आपके मुलाजमीन है, यहाँ से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आपके लिए ये है कि ये चूँकि आपके 12वें घर का हाकिम है
तो ये आपके खुफिया दुश्मनों के लिए भी नुकसानदेह होगा, आपके साथ साथ उनके लिए भी नुकसानदेह होगा, आपकी उनसे जान छुड़ाएगा, आपके खिलाफ होने वाली जो खुफिया साजिशें हैं उनको ब्रेक करेगा ये। इसके अलावा विर्गो वालों के ये 11th और 5th हाउस में को डिस्टर्ब कर रहा है। 11th हाउस आपके दो साहबाब हैं, आपकी गुड़लक है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील है, और पांचवा घर आपकी औलाद है, आपकी मंगनी है, आपकी एजुकेशन स्केल 12 से 14 के दरमियान की है, और आपके इनामी बॉन्ड्स और आपके एक से ज़ायद ज़राए आमदन को डिस्टर्ब कर सकता है। लिब्रा वालों के ये कैरियर, रोज़गार, वालिद, मदर इन लॉ, ससुराली ख़ानदान, वहाँ के माहौल को डिस्टर्ब करेगा, यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, और इसके साथ साथ आपके अपने घर में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, घर का माहौल जो है वो डिस्टर्ब होगा, और आपकी वालदा की तरफ से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कोई इख्तलाफ की सूरत पैदा हो सकती है, बल्कि मैं वालदैन का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि दसवें और चौथे दोनों घर को डिस्टर्ब कर रहा है जो कि वालिद और वालदा दोनों से मुतल्लिक है। इसके अलावा इन दिनों में आपको जगह की तब्दीली से गुरेज करना है, प्लॉट वगैरह अगर आप ले रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हैं प्रॉपर्टी के वाले से, तो उससे गुरेज कीजिएगा, और सवारी और जगह की तब्दीली से आपको जो है वो गुरेज करना है। स्कॉर्पियो वालों के ये नौवें और तीसरे घर को डिस्टर्ब कर रहा है। नौवां घर आपके सुसाली जुकारब, आपके जो शोहर या आपकी जो बीवी हैं उसके बहन भाई, उसके अजीज़ो कारब, आपके दूर दराज के सफ़र, आपकी रूहानियत, रूहानी अलूम और अलूम मख्फी, इसके अलावा आपका जो स्पेशलाइजेशन है और इल्मी इस्तात जो कि दीन से मुतल्लिक हो वो भी नामे घर से मुतल्लिक होती है, तो ये डिस्टर्ब कर रहा है। बुजकोस वालों को माली मुश्किलात से दोचार कर सकता है क्योंकि इनके खाना माल में ही लग रहा है। लेन देन का आपको भी मोहतात रहना है, एग्जैक्टली जैसे कि मैंने बुजोजा वालों के लिए बताया, चेक वगैरह लिखने के देने से गुरेज कीजिएगा, और किसी से वादा करने से गुरेज कीजिएगा कि ये इस वक्त में आप किसी को पेमेंट करेंगे, और कोई एग्रीमेंट रिटर्न में या इस तरह भी, क्योंकि मरकरी भी जो है वो रेट्रोग्रेड है, तो आपने इससे गुरेज करना है। इसके अलावा आपके अगर कोई विरासती मामला चल रहे थे, किसी से पैसे लेने थे, तो वो मामला भी आपके रुकते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर आप जॉइंट एडवेंचर में कोई काम कर रहे थे मुश्तरका तौर पे, तो इसमें भी आपको माली तौर पे खुदा ना खास्ता खसारे का सामना करना पड़ सकता है। बुजदी वालों की ये इज़्ज़त तौकीर को मुतासर करेगा, आपकी लोगों में अहमियत वो कम करेगा, आपकी इज़्ज़त वक़ार को मुतासर कर रहा है, पब्लिक इमेज जो लोग आपको जानते हैं उसमें आपको डिस्टर्ब कर रहा है और कमी वाक़ हो रही है। इसके अलावा ये आपकी शादी होने में रुकावट पैदा कर सकता है, और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी अज़वाजी ज़िंदगी को मुतासर कर सकता है, आपके मबैन क्लैश पैदा हो सकते हैं, और इसी तरह अगर आप शराकतदारी में काम कर रहे हैं तो शरीके कार के साथ भी आपके इख्तलाफात इस हद तक कर सकते हैं, ये इतनी तेज़ी के साथ इसके रिजल्ट आएंगे कि खुदा नखास्ता ये मामला ब्रेकअप की तरफ जा सकते हैं। मुझे दलू वालों की डायरेक्ट ये सेहत को मुतासर कर रहा है, और इसके अलावा आपकी जॉब जो है खुदा नखास्ता वो जा सकती है, बहुत मुहतात रहिएगा। आपके मुलाजमीन जो हैं वो भी आपके खिलाफ की खुफिया साजिशों में मुलव्वस होके तो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए कतई बेहतर नहीं होगा। बैरून मुल्क जो मुकीम है अफराद, उनके लिए इन दिनों में सवारी या जगह की तब्दीली जो है वो बेहतर नहीं होगी। ग्रहण के 3 दिन पहले और कम से कम 3 दिन बाद तक ये एहतियात करना ज़रूरी होगा। पाइसिस वालों के लिए ये बच्चे, इनकी मंगनी, इनकी स्पेशलाइजेशन, इनके लव अफेयर्स, इनकी प्रॉपर्टी सॉरी इनके जो एजुकेशन है स्केल 12 से 15 के दरमियान की, और अगर आप खुदा नखास्ता प्रेग्नेंट हैं तो आपको बहुत एहतियात करनी है। इसके अलावा आपकी खुशबख्ती में तनसीख का बायस बनेगा, आपके बनते काम जो ये बिगाड़ सकता है, दोस्तों से वाबस्ता जो आपके मामलात हैं वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे, आपकी खुशबख्ती जो है वो कम हो सकती है, यानी आपके बनते काम भी जो है वो बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। स्पेशली मैं इस ग्रहण में कहूँगा जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं आपको बहुत एहतियात करनी है। इस हवाले से एक मुकम्मल वीडियो ऑलरेडी मेरी वीडियो सेक्शन में चांद ग्रहण के नाम से जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ पे आपने एहतियात करनी है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ग्रहण के दौरानिए में आपने छुरी, कैंची या किसी भी तेज़ धार या मेटल की चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना, जैसे चम्मच, कांटा, इन चीज़ों को इस्तेमाल आप ना करें तो बेहतर होगा। इसी तरह आग और चूल्हे का काम जो है इससे गुरेज कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा चित लेटी रहें, चल फिर सकती हैं, आपको जागना पड़ेगा, सोना नहीं है, और लेटते हुए करवट के बल एक साइड पे आपने नहीं लेटना, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूं कि अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि जो मेल पर्सन है उसको भी एहतियात करनी है, उसको भी इसी तरह जो है अपनी मिसेज का एहतियात करनी है, तो उसके लिए ये एहतियात की ज़रूरत नहीं है,
ये थोड़ा सा आपको समझ लेना है। इसके साथ साथ तमाम बुरुज वालों के लिए जो है वो ये है कि 2 किलो टोटा चावल, आटा या दूध, ये सदका दीजिए। सदका ग्रहण की टाइमिंग शुरू होने से पहले भी दिया जा सकता है और इसके दौरान भी और इसके बाद भी, आप जैसे सहूलत महसूस करें आप कर सकते हैं। सबसे बेहतर है किसी डिजर्विंग पर्सन को दे दें, नहीं तो परिंदों को डाल दें। सदका हरगिज़ हरगिज़ आपने रास्ते में चौराहे में नहीं फेंकना। ये पर पर्सन का सदका है, 2 kg 2 किलो हर फर्द के लिए है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप अफोर्ड नहीं करते तो हस्ब तौफीक आप दे सकते हैं, और अगर आप अफोर्ड करते हैं तो इसको 11 किलो कर सकते हैं, इसको 20 किलो कर सकते हैं। जितना ज़्यादा सदका देंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ, इससे बचाव के लिए जो है इस्लाम में 2 रकत नमाज आयात, जिसको कि हम नमाज कसूफ खसू भी कहते हैं, वो वाजिब करार दी है। और ये एक वाज़ दलील है इस बात की कि ग्रहण जो है वो असरात रखते हैं। इसीलिए सरकारे दो आलम ने हमें ये तालीम फरमाया कि ग्रहण के दौरान या इसके बाद कम से कम 2 रकत नमाज आयात जो है वो हमने अदा करनी है। ये कुछ ख़ास तरीके से अदा की जाती है। इसका तरीका आप हमारे फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, हमारे कम्युनिटी सेक्शन में देख सकते हैं, या आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर जो है वहाँ पर डिमांड कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपको ये प्रोवाइड करेंगे। नमाज अदा करके सदका दे के आप परवरदिगार की अमान में जाएंगे इंशाल्लाह। तमाम बुरुज वालों को मैंने बता दिया है कि आपके लिए किन किन सेक्शन में नुकसानदेह हो सकता है। मामलात की अहमियत को समझते हुए एहतियात भी कीजिएगा और बर वक्त सदके की अदायगी को यकीनी बनाइएगा। इस ग्रहण की नेगेटिव इफेक्ट से बचते हुए और इस वीडियो से मुस्तफीद होते हुए दूसरे दोस्त अहबाब के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दुआ में यूँ ज़रूर याद रखिएगा। कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बेहतरीन मालूमात जो हैं वो इकट्ठी करके आपको दी जाएं। अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उससे बचाव की तदबीर, अगर कोई बेनिफिट आ रहा है तो उसको आप कैसे जो है वो गेन कर सकते हैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।